साथ निभाना साथिया। गोपी वाऊ बिल्कुल सही कह रही है, मुझे बेहोश कर दिया गया था और जब मेरी आंखें खुली तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उर्मिला बहन के चौल वाले घर में बंदी बनाकर रखी गई हूँ। ये सब इसका किया धरा है। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने इसके पैरों में हील वाले चप्पल देखे थे और उसके बाद मेरा शक धीरे धीरे यकीन में बदल गया जिस दिन इसने वो प्याज वाले पराठे खाए थे। पराठे में प्याज है? और उसके बाद गाउन पहनकर अश्लील डांस करते हुए देखा। उसके बाद मैंने उसे बाहर से चाइनीज खाना मंगवा कर बड़े चाव से खाते हुए भी देखा। और फिर इसका सच सबके सामने लाने के लिए मैं उस रेस्टोरेंट में पहुंची जहां से इसने वो चाइनीज ऑर्डर किया था। आजकल कभी कभी प्रेम लता भी इस एड्रेस पे खाना मंगानी रहती है। एक भाजी बेचने वाली भाई है, उसी का नाम प्रेम लता है। ये एक सब्जी वाली है, प्रेम लता। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी जिससे मुझे विश्वास हो गया कि ये मेरी माँ जी है ही नहीं बल्कि ये एक पाखंडी है, डोंगी है। और जिसके कंधे पे और हाथ पे टैटू का निशान है, दिखा सबको। और काके जी, जब इसका पीछा करते करते मैं मंदिर पहुंची तब मंदिर के तालाब में मैंने इसे तैरते हुए देखा जबकि मेरी माँ जी को तैरना आता ही नहीं। और ये बात आप सबको पता है। जब सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, मैं आप सबको बताने वाली थी, तब इसने मुझे धमकी दी। अगर तूने मेरी सच्चाई अपने अहम जी को या किसी को भी घर में बताई, यहाँ तेरा मुँह खुला और वहाँ तेरी माँ जी की आंखें हमेशा के लिए बंद। यहाँ तक कि इसने मुझे जो जो करवाया मुझे चुपचाप करना पड़ा। मीरा को अपने ससुराल वापस भेजने पे मजबूर कर दिया मुझे। इसी वक्त मीरा अपने ससुराल वापस जाए।